हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्यूटोरियल। आज है 20 जून 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। हाल ही में किस दिन को विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है जून 11th, जून 13th, जून 15th, जून 18th। और इसका आंसर होगा जून 18th। एवरी ईयर वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे इज ऑब्जर्व ऑन जून 18th। हर साल विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है। द डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म एंड टू क्रिएट स्पेस फॉर द पीपल विथ ऑटिज्म टू बी देमसेल्व्स। इस दिन का उद्देश्य आत्म केंद्रित के बारे में जागरूकता पैदा करना और ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों के लिए स्थान बनाना। फर्स्ट ऑटिस्टिक प्राइड डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 2005 इन ब्राजील बाय द एसपीस फॉर फ्रीडम। ब्राजील में 2005 में पहले ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया था द एसपीस फॉर फ्रीडम के द्वारा। इट वॉज क्रिएटेड बाई गैरिथ एंड एमी नेल्सन एंड बिकम ए ग्लोबल इवेंट। ये गैरिथ और एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई थी और ये एक विश्व भर में मनाई गई थी। अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट रेफर्स टू ए कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड सोशल बिहेवियर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एंड ए स्मॉल रेंज ऑफ यूनिक इंटरेस्ट। ये बिगड़ा हुआ सामाजिक व्यवहार, संचार और भाषा और अद्वितीय ब्याज के एक छोटी श्रृंखला से लेकर एक शर्त का संदर्भित करता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हेयर विल होस्ट द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021। कहा चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का मेजबानी होगा। इसका ऑप्शन है इंडिया, बहरीन, कतर और जापान। द एशियन पैरा ओलंपिक्स कमिटी हैज अनाउंस्ड दैट द 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स टू बी हेल्ड इन बहरीन इन दिसंबर। द एशियन पैरा ओलंपिक्स कमिटी हैज अनाउंस्ड दैट द 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स टू बी हेल्ड इन बहरीन इन दिसंबर 2021। एशिया पैरालंपिक्स समिति ने घोषणा की है चौथा एशियाई युवा पैरा ओलंपिक जो बहरीन में आयोजित होने वाला है उसका संस्करण दिसंबर 2021 में होने वाला है। अराउंड 800 एथलेटिक्स अंडर 20 इयर्स एज्ड आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 9 स्पोर्ट्स। 20 वर्ष से कम आयु के लगभग 800 एथलीट्स ने इस खेल में पार्टिसिपेट करेंगे। द इवेंट इज बींग ऑर्गेनाइज इन कंजंक्शन विद द नेशनल पैरालंपिक्स कमिटी ऑफ बहरीन विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये आयोजन सरकार के समर्थन से बहरीन के राष्ट्रीय पैरालंपिक्स समिति को संयोजन में किया जा रहा है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वां अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, डेविड मेलपास, वोल्केन बोजगिर, नान ऑफ दीज। और इसका आंसर होगा वोल्केन बोजगिर। ऑन जून 17, 2020 वोल्केन बोजगिर फ्रॉम तुर्की वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 17 जून 2020 को तुर्की से वोल्केन बोजगिर को 75वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ही इज द फर्स्ट तुर्कीस टू होल्ड दिस पोस्ट। वो तुर्की से चुना गया पहला व्यक्ति था। ही विल सक्सीड तिजामी मोहम्मद बंदे व्हेन द एनुअल सेशन ओपन्स ऑन सितंबर 15, 2020। वो तिजामी मोहम्मद बंदे को रिप्लेस करेंगे जो जब 15 सितंबर 2020 को वार्षिक सम्मेलन होगा अबाउट 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली।
ये होने वाले सितंबर 15, 2020 से सितंबर 30, 2020 को। इसका लोकेशन है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स और इसका ऑर्गेनाइजर है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। आज का 14 क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में किसको किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन है सुरुनबे जीनबेकोव, सेपारिसागोव, कुबेतकोव बोरोनोव और नानोबिच। और इसका आंसर होगा कुबेतक बोरोनोव। ऑन जून 17, 2020 कुबेतक बोरोनोव वाज अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर। 17 जून 2020 को कुबेतक बोरोनोव को नियुक्त किया गया किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में। किर्गिस्तान प्रेसिडेंट सुरोनबाई जीनबेकोव साइंड एन ऑर्डर टू अपॉइंट हिम। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सुरोनबाई जीनबेकोव ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा उसका प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किर्गिस्तान पार्लियामेंट अप्रूव द कैंडिडेंसी ऑफ कुबेतबेक बोरोनोव विथ 105 वोट्स आउट ऑफ 116। किर्गिस्तान के सांसद ने कुबेतक बोरोनोव को उसके प्राइम मिनिस्टर के लिए 105 वोट मिला है 116 में से। प्रीवियसली ही सर्व्ड एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सिंस अप्रैल 2018 इन द प्रीवियस कैबिनेट। इसके पहले उन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला जो अप्रैल 2018 से था। आज का 5वां क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड ए रिसेंटली रिलीज्ड नोबेल ए बर्निंग। हाल ही में किसने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम दिया गया ए बर्निंग। इसका ऑप्शन है प्रीति सिनोय, मेघा मजुमदार, रविंदर सिंह और दुर्जय। इसका आंसर है मेघा मजुमदार। ऑन जून 15, 2020 द पेंगुइन हमिस हैमिल्टन रिलीज द ए बर्निंग ऑथर्ड बाय मेघा मजुमदार। 15 जून 2020 को ऑन जून 15, 2020 द पेंगुइन हमिस हैमिल्टन रिलीज द ए बर्निंग ऑथर्ड बाय मेघा मजुमदार। 15 जून 2020 को द पेंगुइन हमिस हैमिल्टन ने ये बुक रिलीज किया है और ये मेघा मजुमदार के द्वारा हुआ है और इसका नाम दिया गया द बर्निंग ए बर्निंग। द 32nd year old न्यूयॉर्क राइटर हु वॉज बॉर्न एंड रेज इन कोलकाता। 32 वर्षीय न्यूयॉर्क का लेखक का जन्म और पालन पोषण हुआ था कलकत्ता में जो अभी न्यूयॉर्क में। अबाउट द बुक इज अबाउट द लिव्स ऑफ 3 कैरेक्टर्स टॉमी ऑरेंज, ये गेसी, झुंपा लाहिरी हु वेंट टू रेस टू द मिडिल क्लास टू पॉलिटिकल पावर टू गेन द फेम इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड हाउ देयर लिव्स चेंज्ड इन इंडियन सोसाइटी। ये पुस्तक 3 चरित्र पर आधारित है, टॉमी ऑरेंज, ये गेसी और झुंपा लाहिरी के बारे में जो राजनीतिक लाभ के लिए मध्यम वर्ग के राजनीतिक ताकत के पहुंचाने चाहते हैं फिल्मी उद्योग में प्रसिद्ध और भारतीय समाज में उनके जीवन कैसे बदल गया इसको दर्शा गया। द बुक वॉज पब्लिश्ड ऑन 2 जून 2020 बाई नॉप डबल डे पब्लिशिंग ग्रुप। ये पुस्तक 2 जून 2020 को नॉप डबल प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित की गई है। आज का 6वां क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट सेलिब्रेट्स मास्क डे ऑन 18 जून 2020। हाल ही में किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया। इसका ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इसके आंसर होगा कर्नाटका। बी एस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका अनाउंस दैट कर्नाटका विल ऑब्जर्व 18 जून 2020 एज ए मास्क डे। वाई एस येदियुरप्पा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री उसने ये घोषणा की 18 जून 2020 को मास्क डे के रूप में मनाने के लिए। द डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग ए मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर्स, वॉशिंग हैंड्स एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग अगेंस्ट कोविड-19। इस दिन का उद्देश्य है आम जनता के लिए जागरूकता पैदा करना, मास्क पहनने के महत्व, सैनिटाइजर का उपयोग करना, हाथ धोना और कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक दूरी बनाए रखना। द स्टेट विल इम्पोज ए फाइन ऑफ रुपीज
200 on people who are not wearing masks in public places, and actions will be taken on people ignoring the social distancing. और इस राज्य पे 200 रुपए का जुर्माना लगाएगा सार्वजनिक स्तर पर जो मास्क नहीं पहनेगी उसके कार्रवाई होगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन कॉमर विथ टेक फर्म ट्रोपोगो। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने टेक फर्म ट्रोपो के साथ देश का पहला ड्रोन कॉमर लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है टाटा एआईजी, भारती एक्सा, एचडीएफसी एर्गो, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन है एचडीएफसी ईआरजीओ, एचडीएफसी एर्गो, जनरल इंश्योरेंस फर्म हैज पार्टनर्ड विद यूके बेस्ड टेक फर्म ट्रोपोगो लिमिटेड टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स इन इंडिया। एचडीएफसी ईआरजीओ, जनरल इंश्योरेंस फर्म ने यूके बेस्ड टेक कंपनी है उसके साथ मिलकर एक ड्रोन के लिए एक इंश्योरेंस लॉन्च किया इंडिया पे, इसका नाम देगा पे एज यू फ्लाई। दिस पॉलिसी व्हिच कैन बी ऑफर्ड ऑन डिमांड टू कमर्शियल ड्रोन ओनर्स एंड ऑपरेटर्स गिव लाइफ इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लेम्स। ये नीति जो वाणिज्यिक ड्रोन मालिकों और ऑपरेटर को ऑन डिमांड की पेशकश की जा सकती है और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लेम के लिए जीवन आश्वासन देती है। अबाउट एचडीएफसी एर्गो, इसका एमडी एंड सीईओ है रितेश कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द एंड। थैंक यू।